हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं अतुल एक बार फिर आपके साथ एक बहुत ही शानदार केवल 20 रुपए के स्टॉक के साथ, जो कि आपको अमीर भी बना देगा। और ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग और साउंड फंडामेंटल्स हैं, लेकिन ये स्टॉक आपको केवल 20 रुपए के पास मिल रहा है। और अमेजिंग फंडामेंटल्स के चलते इस स्टॉक के अंदर जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। गाइज, पैनी स्टॉक्स तो बहुत सारे लोअर प्राइस पर बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बट अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक जो कि लो प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही रेयर हैं। और ये स्टॉक उनमें से एक है, एक ऐसा गोल्डन पिक है हमारा, जो कि अगर आप लंबी अवधि के लिए रखेंगे, यानी कि लगभग 1 से 3 साल के लिए रखेंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म तो इन द सेंस कि आपको 5 साल प्लस हो सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बीच की अवधि के लिए बात करेंगे, जहाँ पर आपको लगभग 3 से 3 साल तक के लिए अगर ये स्टॉक रखते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा दे सकता है। बाइंग का पैटर्न आपको मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। आपको बल्क बाइंग नहीं करनी है काउंटर के अंदर। काउंटर के अंदर अगर आपका टारगेट 10,000 शेयर्स का है, तो आप 500-2,000 शेयर्स मंथली परचेज कीजिए, या हर 2 महीने के बाद परचेज कीजिएगा। उससे आपका जो प्राइस होगा वो एवरेज डाउन होता रहेगा, और उसके बाद जब आपका 10,000 शेयर्स का टारगेट अचीव हो जाए, तो आप उसको होल्ड करके भूल जाइए अगले कुछ सालों के लिए। सेकेंड चीज, स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए। किसी भी पिक को विदाउट स्टॉप लॉस आप मत लीजिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म के काउंटर्स हम लेते हैं उनमें कभी स्टॉप लॉस नहीं होता। हमारे जो टेलीग्राम के व्यूवर्स हैं, बहुत सारे हमारे मित्र रहते हैं जिनको मैं बहुत समझाता हूं अब, हालांकि उन्होंने जो पहले गलतियां की हैं वो कोशिश करते हैं कि आगे नहीं करें, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मोर देन 200 रुपीज़ के आसपास स्टॉक्स परचेज किए हैं, और जिनका प्राइस आज की तारीख में 10 या 20 रुपए के आसपास है, बट स्टिल वो ये उम्मीद रखते हैं कि स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये कोई समझदारी नहीं होती। आप जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे उसके लिए प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपको मेंटेन करके चलना है, यानी कि 1:3, 1:5 या 1:10 जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, अगर उसमें रिस्क हिट होता है देन आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करना ही चाहिए, बिकॉज रूल्स इज द रूल। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं देन आपको रूल्स ब्रेक कर देंगे। ये कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हम लोगों की आदत है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक कर जाते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं खड़ा तो हम लोग भाग गए, बट दिस इज द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र होती है लाखों ट्रेडर्स की, और अगर आपकी एक छोटी सी गलती होती है तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये लाखों का माल 20 रुपए में जो आपको मिल रहा है, कौन सा ये स्टॉक है? ये स्टॉक दोस्तों कोई और नहीं है, इस स्टॉक का नाम है पशुपति एक्रिलिन लिमिटेड। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो साल है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफी बूमिंग टाइम हो सकता है। इसका जो BSE कोड है 500456 है। NSE के अंदर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता है, NSE कोड बताने से कोई फायदा नहीं है। 500456 इसका BSE कोड है। 19.90 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 32.40 रुपीज़, जो 52 वीक लो है वो 17.05 रुपीज़ है। लेकिन इस स्टॉक, इस काउंटर के अंदर जो मैं एग्जिट स्टॉप लॉस आपको दूंगा वो दूंगा 15 रुपीज़ का, यानी कि आपको ये स्टॉक अगर वीकली या मंथली क्लोजिंग में 15 रुपीज़ के नीचे मिलता है, अगर क्लोजिंग, यानी कि अगर फ्राइडे, किसी भी फ्राइडे की क्लोजिंग में ये स्टॉक 15 रुपीज़ के नीचे अगर रहता है, या किसी भी मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे में ये स्टॉक 15 रुपीज़ के नीचे रहता है, देन आप इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट करेंगे और अपने कैपिटल को सेव करेंगे। उससे पहले आप स्टॉक के अंदर पोटेंशियली बने रहेंगे, SIP मेंटेन करेंगे, हर महीने छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को बाई करेंगे, और स्टॉक को लगभग 1 से 3 साल के लिए रखेंगे, आपको एक अच्छा ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है। क्यों? मार्केट कैप आप देखेंगे 177 करोड़ की मार्केट कैप है। EPS इसका लगभग 4 का, अच्छा EPS होता है 4 का, एक छोटी सी कंपनी का 4 का EPS, मतलब हर शेयर पे ये 4 रुपये अर्न कर रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.08, जबकि इंडस्ट्री का PE जो है वो 8.41 का है। डिलीवरेबल्स आप देखेंगे शानदार, 70% के डिलीवरेबल्स हैं, और 10K फेस वैल्यू पर स्टॉक अकाउंट ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 16.78 है, जबकि अपनी बुक वैल्यू का 1.19% पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये ओवरऑल आपका, अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ये माइक्रो कैप का स्टॉक है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो काउंटर में इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की लगभग 65.87% की होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माइनर सी होल्डिंग है बहुत। 29.25% इंडिविजुअल्स के पास है, और एनी अदर्स के पास लगभग 4.67% स्टेक बना हुआ है।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो हम यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल्स में, और फिनिशर्स में हम आपको बताएंगे कि कंपनी पे जो डेट बर्डन है वो भी बहुत मामूली सा है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। कंपनी को भी डेट बर्डन केवल 4.33 करोड़ का, जो कि पिछले साल तक यानी 2017 तक कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो 25.96 करोड़, लगभग 26 करोड़ का कर्ज था, और 21 करोड़ की उसकी नेटवर्थ थी, जबकि 2018 में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है और कंपनी ने डेट घटा के 4.33 करोड़ कर दिया है। उसके अलावा कंपनी की जो नेटवर्थ है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए, और रिजर्व जो हैं वो 32.6 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के आसपास पहुंच गए। ओवरऑल शानदार ग्रोथ रही है 2018 में। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी लगभग 41 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। कैश एंड बैंक बैलेंस आप देखेंगे लगभग 27.5 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। प्रोविजंस बहुत माइनर से हैं 6 करोड़ के। बुक वैल्यू कंटिन्यूसली अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 2014 में जो कंपनी की जो बुक्स के अंदर जो वैल्यू थी स्टॉक की वो 4.9 की थी, और अब 16.78, लगभग 4 टाइम बुक वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है पिछले 5 सालों में। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स है कंपनी के। इसके अलावा अगर मैं बताता हूँ आपको फाइनेंशियल नंबर्स की, तो आप देखेंगे ईयरली मार्च 18 में कंपनी ने 570 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स डिक्लेयर किए, जबकि मार्च 17 में जो सेल्स थी वो केवल 460 करोड़ की थी, यानी कि आप एनुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो लगभग 110 करोड़ की सेल्स इंक्रीज हुई, जो कि काफ़ी बेहतर है और पिछले 5 सालों में हाईएस्ट सेल्स रही है 2018 के अंदर। उसके अलावा अगर पीवीटी की बात करेंगे तो हाँ, पीवीटी में मैं जरूर कहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, 52 करोड़ से घट के लगभग 43.68 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, लेकिन पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो 10.68 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 43.68 करोड़ पहुंच गया है, और बेसिक ईपीएस 0.81 से बढ़कर पिछले 5 सालों में 3.14। सो फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। एंड उसके बाद हम लोग क्वार्टरली नंबर्स पे बात करते हैं, तो क्वार्टरली नंबर की बात करते हैं तो क्वार्टरली नंबर में जून 18 में अगर आप देखेंगे तो 201 करोड़ की सेल 201 करोड़ की सेल्स रही है, जबकि पिछले साल जून में केवल 117 करोड़ की ही सेल्स कंपनी की रही थी। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस है एनुअल नंबर्स पर भी और क्वार्टरली नंबर्स पर भी। अभी फिलहाल अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट नहीं किए हैं, बट यहाँ पर QOQ और YOY दोनों ही ग्राउंड्स पर टॉप लाइन बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर PVT की बात करते हैं तो जहाँ हम YOY में बात करेंगे तो लास्ट जून में कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, 5 करोड़ 13 लाख का, वहीं जून 18 में कंपनी ने 15 करोड़ 42 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, यानी कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। साथ ही साथ अगर QOQ में बात करेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ 85 लाख का प्रॉफिट दिखाया, वहीं मार्च जून 18 में कंपनी ने 15 करोड़ 42 लाख का, लगभग 50% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। सो यहाँ पर मैं इस काउंटर को आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ, इसके फंडामेंटल्स, इसकी पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, इसके आगे का फ्यूचर बता रहे हैं। बहुत सारे पैनी स्टॉक्स हैं जो कि कोई भी कभी भी उठा के मैं सजेस्ट कर सकता हूं, बट मैं हमेशा आपके साथ फेयर एडवाइस करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट क्वालिटी पिक्स, जो कि आपको प्रॉफिट देंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट सिनेरियो के हिसाब से प्रेशर्स दबाव हो सकते हैं स्टॉक काउंटर के अंदर, बट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक में आपको रिकवरी मिलेगी और आपके लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इस वक्त तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी डाउन हो चुका है, यहाँ से इसमें डाउनसाइड का टारगेट मैंने आपको दिया है 15 रुपीज़ एग्जिट स्टॉप लॉस, फॉर द टारगेट ऑफ 35 पहला टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पर, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं। ओवरऑल 10 करोड़ का लगभग नेट प्रॉफिट रहा है जून 18 के अंदर, और अभी कंपनी ने अपने जो सितंबर नंबर्स हैं उसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया है कि कब सितंबर नंबर्स कंपनी के पोस्टेड होंगे। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई। इसके अलावा टेक्निकली एक बार मैं आपको बता देता हूँ काउंटर के बारे में, यहाँ पर हम लोग पशुपति एक्रेलिन के बारे में देखेंगे BSE कोड, एंड दिस इज द, यहाँ पर ये काउंटर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जो सपोर्ट लेवल है इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लगभग 18 रुपीज़ 47 पैसा, यानी 18 रुपीज़ 50 पैसा का एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है, और अगर 18 रुपीज़ 50 पैसा का के नीचे की ये वीकली क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर अगर हम वीकली क्लोजिंग की बात करते हैं तो मैं आपको वीकली क्लोजिंग भी काउंटर की बता देता हूँ। अगर काउंटर
18.50 के नीचे की वीकलिंग क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देगा अगर ये काउंटर, तो फिर आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा 15 रुपीज़ 50 पैसे का रहने वाला है। तो मैं आपको पहले से आगाह करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि काउंटर किस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लेवल्स उसके रहेंगे। 18 रुपीज़ 50 पैसे अगर ब्रेक होता है वीकली चार्ट पे, देन आपको 15 रुपीज़ 65 पैसे मिलेंगे। तो अभी आप वेट कीजिएगा एक दो दिन और काउंटर में इसकी चाल को चेक कीजिएगा। अगर 18 रुपीज़ 50 पैसा को होल्ड करके ये November 1st week से अपट्रेंड स्टार्ट करता है, देन आप इसको खरीद सकते हैं। नहीं तो आप वेट कीजिएगा 15 से 16 रुपीज़ के बीच में और वहाँ पर आप इसको बाइंग कीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं वीकली रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो काउंटर का जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो लगभग 21 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास रहेगा। एक बार 21 रुपीज़ 50 पैसा काउंटर ब्रेक करेगा और उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा, देन नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 23 रुपीज़ 90 पैसा रहेगा, यानी कि लगभग 24 रुपीज़ के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जिसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 24 रुपीज़ को हिट करेगा देन फाइनल टारगेट जो रहेगा स्टॉक का वो तकरीबन रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 26 रुपीज़, और 26 रुपीज़ के ऊपर ये काफ़ी अच्छा रन अप देगा आपको 32 से 35 का। सो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको काउंटर के अंदर। आप ये सोचेंगे कि हम काउंटर को इग्नोर कर दें, स्टॉप लॉसेस को इग्नोर कर दें, रेजिस्टेंसेस को इग्नोर कर दें, देन ऐसे काम नहीं चलेगा। जिनका बहुत ही लॉन्ग टर्म का होराइजन है उनके लिए मैं बता दूं 15 रुपीज़ 60 पैसा यानी 15 रुपीज़ एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा मंथली क्लोजिंग चार्ट पे। अगर आपको मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे में ये स्टॉक 15 रुपीज़ के नीचे मिलता है देन आप एग्जिट कर जाइएगा। एंड इसका जो मेन रेजिस्टेंस है, जो हर्डल है, वो इनिशियल हर्डल रहेगा लगभग 25 रुपीज़ 50 पैसा का, और उसके बाद जो सेकेंड हर्डल रहेगा वो लगभग 30 रुपीज़ 50 पैसे का, यानी कि मंथली चार्ट पर 25 रुपये पहला इसका रेजिस्टेंस रहेगा, 25 रुपये 50 पैसे। एक बार उसके ऊपर चला जाएगा तो 30 रुपये 50 पैसे इसका नेक्स्ट टारगेट है, और उसके अलावा उसके बाद स्टॉक जो ब्रेकआउट काउंटर है, जो ब्रेकआउट लेवल देगा वो तकरीबन देगा 35 रुपये के ऊपर, यानी 35 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त बुलिशनेस दिखाएगा और 60+ टारगेट भी आपको दे सकता है अगले 2 सालों के अंदर। सो काउंटर बहुत बढ़िया है, 20 रुपीज़ पे आपको मिल रहा है, फंडामेंटल्स टू गुड है कंपनी के। एक बार मार्केट में रिकवरी शुरू होगी तो ये काउंटर आपको मल्टीप्लाई करेगा आपकी वेल्थ को, और यहाँ से आपके पास जो रिस्क है वो केवल 5 रुपये का, यानी कि मैं अभी आपको 20 रुपीज़ यानी 19 रुपीज़ 90 पैसे पे काउंटर बता रहा हूँ। बाइंग जोन आपका रहेगा 18 रुपीज़ 50 पैसा। अगर 18 रुपीज़ 50 पैसा के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है देन आपका बाइंग रेंज रहेगा 15 से 15 रुपीज़ 50 पैसा के बीच में, एंड वहाँ से काउंटर का जो टारगेट हमारा है वो लगभग 5 times का है, 60 to 75 का टारगेट अचीव कर सकता है अगले 2 years के अंदर। तो ये हमने बात की, लाखों का माल आपको 20 रुपये में मिल रहा है। अगर आप यहाँ से 20 रुपीज़ या 18 रुपीज़ के आसपास भी काउंटर खरीदते हैं तो आपकी जो वेल्थ है वो 5 गुना बढ़ सकती है अगले 2-2.5 साल के अंदर। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं आपको ये काउंटर पसंद आएगा, आप इसमें अपनी पूरी एनालिसिस कीजिएगा, अपने एनालाइजर से भी, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो भी आपके आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे भी सजेशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ही काउंटर में निवेश कीजिएगा। और हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप इस काउंटर से अच्छा और भारी मुनाफा कमाएं। सो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे काउंटर्स के बारे में बात करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कुछ अच्छे लो वैल्यू स्टॉक्स जो कि आपको आगे आने वाले सालों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपकी वेल्थ को। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल मनी ट्री। जो लोग पहली बार आए और चाहते हैं उनको अच्छे काउंटर लो प्राइस पे मिले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अगर बेल का आइकन प्रेस करेंगे और ऑल ऑप्शंस को उसमें चेक कर देंगे तो आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप टाइम से पहले ही अपने काउंटर के बारे में सही जानकारी जान पाएंगे। तो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।